गाइज वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब दोस्तों? बचपन से एक मूवी का डायलॉग सुनते आ रहे हैं। अगर आपने सुना है या आपने उस मूवी को देखा है तो आप मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। एक चुटकी सिंदूर का कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू। जी हाँ दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे आज के इस वीडियो में डायलॉग, चुटकी, सिंदूर, मूवी, ये क्या है। तो गाइज आते हैं पॉइंट पे। टिकटॉक पे कुछ इसी तरह का एक वीडियो काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रहा है जो सबको कंफ्यूज करके रखा हुआ है, जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं। दोस्तों जो वीडियो आपने भी स्क्रीन पे देखा है, इस वीडियो के कमेंट में अगर आप जाके चेक करेंगे तो यहाँ पे आपको हजारों कमेंट्स ऐसे मिलेंगे, मेरा बना दो भाई, मेरा बना दो भाई प्लीज। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट किया जा रहा है, मेरा बना दो, मेरा बना दो। जबकि दोस्तों इस वीडियो को बनाना बहुत ही आसान है। स्टार्टिंग में जो दोस्तों मैंने डायलॉग मारा था, यहाँ पे सिर्फ खेल एक प्रोफाइल पिक्चर का है, एक प्रोफाइल पिक्चर को ऐड करना है। तो दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने के साथ साथ बहुत ही आसान होने वाला है। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। इस तरह के वीडियो बनाने के लिए दोस्तों आपको कोई भी वीडियो नहीं शूट करना है, ना ही दोस्तों यहाँ पे कोई आपको एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है। दोस्तों यहाँ पे आपको एक फुटेज वीडियो चाहिए जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। और दोस्तों आपको अपने टिकटॉक प्रोफाइल के एक फ़ोटो को निकाल लेना है, एक स्क्रीनशॉट ले लेना है। इस तरह से दोस्तों आपने स्क्रीनशॉट ले लिया, जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब दोस्तों आपके फ़ोन में एक एप्लीकेशन तो चाहिए ही दोस्तों, काइनमास्टर। काइनमास्टर को हम नहीं छोड़ने वाले हैं। तो गाइड सीधा चलते हैं काइनमास्टर में, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों काइनमास्टर ओपन करने के बाद आपको प्लस आइकन पे क्लिक करके 9 और 16 का स्पेक्ट रेशियो सेलेक्ट करना है। मीडिया ब्राउजर में जाने के बाद आपको बैकग्राउंड फोल्डर पे जाना है और यहाँ से दोस्तों आपको ब्लैक कलर का बैकग्राउंड सेलेक्ट करना है। उसके बाद बैकग्राउंड पे क्लिक करेंगे। इस तरह से दोस्तों आपको बैकग्राउंड को 10 से 12 या फिर 15 सेकेंड रख देना है। उसके बाद स्टार्टिंग पोजिशन पर आएंगे, यहीं से ओके कर देंगे। अब दोस्तों आपको लेयर में जाना है। मीडिया में जाने के बाद आपको अपने उस वीडियो को सेलेक्ट कर लेना है जो वीडियो दोस्तों आपने डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड किया था, जैसा कि यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं। वीडियो को सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको स्क्रीन पे जाना है, फुल स्क्रीन करेंगे, उसके बाद यहाँ से ओके करेंगे। इस वीडियो में दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं टीवी में दोस्तों मैंने यहाँ पे ग्रीन स्क्रीन चिपकाया है। गाइज ये ग्रीन स्क्रीन चिपकाने में मुझे 1.5 घंटे से ज़्यादा टाइम लगा था, तो यार वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। अब दोस्तों आपको यहाँ पर इस वीडियो को सेलेक्ट करना है, यहाँ पर जाना है क्रोमा की में, यहाँ से इसको इनेबल करेंगे। और दोस्तों की कलर जो है यहाँ पे आपका, इसको आपको दोस्तों हरा कलर रख देना है और थोड़ा सा ज़्यादा डार्क रहेगा तो और बेटर होने वाला, जैसा कि दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ से ओके करेंगे। ऊपर वाले पॉइंट को दोस्तों आपको इस तरह से यहाँ पे खींच के अच्छे से एडजस्ट कर लेना दोस्तों, ताकि टीवी आपका ब्लैक कलर में हो जाए, जैसा कि यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ से ओके करेंगे। अब दोस्तों यहाँ पे आपको अपने उस फोटो को ऐड करना है, उस प्रोफाइल पिक्चर को दोस्तों टिकटॉक के, जो आपने स्क्रीनशॉट लिया था। दोस्तों वीडियो को स्लाइड करके थोड़ा सा आगे लेके जाएंगे, जहाँ पे दोस्तों मैं रिमोट दबाता हूँ, जैसे कि गाइज यहाँ पे आप देख सकते हैं, यानी टीवी चालू करने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। इसी पोजिशन पर दोस्तों आपको लेयर में जाना है। मीडियम जाने के बाद आपको अपने स्क्रीनशॉट को यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है, जैसा कि दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने अपने टिकटॉक प्रोफाइल को यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया है। फोटो को सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों फोटो को आपको इस तरह से यहाँ पे थोड़ा सा नीचे कर देना है। दोस्तों टीवी में थोड़ा सा यहाँ पे जगह बाकी रहना चाहिए। उसके बाद इसी जगह से दोस्तों आपको डिलीट के नीचे 3 डॉट पे जाना है, सेंड टू बैक कर देना है, जिससे दोस्तों ये फोटो आपका टीवी में चला जाएगा। तो आपको अपने फोटो को उस पोजीशन तक रखना है जहाँ पे दोस्तों दोबारा मैं रिमोट से यहाँ पे टीवी को बंद करता हूँ, जैसा कि गाइज यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा, वीडियो को स्लाइड करके उस पोजीशन पर लेके आएंगे जहाँ पे दोस्तों मैं टीवी में जूम करने के लिए जाता हूँ। गाइज जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं टीवी पर मैंने हाथ रख दिया है। इसी पोजीशन पर दोस्तों आपको डिलीट के ऊपर चाबी पे क्लिक करना है, प्लस पे डॉट देना है। उसके बाद दोस्तों जहां तक मैं हाथ से जूम करता हूं, जैसा कि दोस्तों यहां पे आप देख सकते हैं यहां तक मैंने जूम किया है, तो प्लस पे आपको डॉट देना है और आपको अपने फोटो को दोस्तों इस तरह से थोड़ा सा बड़ा कर देना है, जैसा कि दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं। उसके बाद गाइज वीडियो को स्लाइड करके थोड़ा सा और आगे लेके जाएंगे जहाँ पे मैं दोबारा दोस्तों जूम करने लगता हूँ, प्लस पे डॉट देंगे। उसके बाद दोस्तों जहां तक मैं जूम करता हूं उस पोजीशन पे आपको एक बार और प्लस पे डॉट देना है। अगेन दोस्तों यहां पे आपको अपने फोटो को और थोड़ा सा इस तरह से बड़ा कर देना है, ताकि दोस्तों ऐसा लगना चाहिए टीवी में दोस्तों आप जूम कर रहे हैं। उसके बाद दोस्तों वीडियो को स्लाइड करके लास्ट पोजीशन पे लेके जाएंगे जहां पे दोस्तों टीवी बंद करते हैं,
उसी पोजीशन पे आपको प्लस पे डॉट देना है, और दोस्तों थोड़ा सा यहीं पे स्लाइड करके आपको अगेन प्लस पे डॉट देना है। उसके बाद गाइज इस फोटो को आपको इस तरह से छोटा कर देना है यहाँ पे, और यहाँ पे दोस्तों टीवी के आपको सेंटर में इस तरह से रख देना है। उसके बाद यहाँ से ओके करेंगे। अब दोस्तों जो वीडियो आपने डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड की थी उस वीडियो को सेलेक्ट करना है, लास्ट पोजिशन पर लेके जाएंगे, ऊपर वाले बैकग्राउंड पर क्लिक करेंगे, कैंची पर क्लिक करेंगे, ट्रिम टू राइट ऑफ प्लेट करके काट देंगे। उसके बाद यहां से ओके करेंगे। तो यहां पे आप देख सकते हैं वीडियो हमारा बहुत ही परफेक्ट बन चुका है, उम्मीद करता हूं आप समझ गए होंगे। दोस्तों साउंड का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, या फिर आप किसी भी साउंड पे इस वीडियो को ले जाके अपलोड कर सकते हैं। वीडियो को सेव और शेयर करने के लिए आपको शेयर बटन पे क्लिक करना है, 720 और 30 रखने के बाद वीडियो को एक्सपोर्ट कर देंगे।